हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मैसेज। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में, ये क्लास 5 की सबसे लास्ट वीडियो है जिसमें एक्सरसाइज वीडियो कवर कराएगी। सो फ्रेंड्स, तो इसकी ये जो स्टोरी है उसको आप बन चुकी है वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा, और इसकी एक्सरसाइज वीडियो मी स्टोरी देखने के बाद फिर एक्सरसाइज समझिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज कवर कराएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट है न्यू वर्ड्स, जॉय, बॉदर, मैरी, अपसेट, फील, रिमूव, वेडिंग, शेक, हग, इंस्टीड, प्लम्ब, थ्रिल्ड। तो ये है न्यू वर्ड्स, चलिए देखते हैं इनके उच्चारण एंड वर्ड मीनिंग। लेसन 16, नीना एंड द बेबी बर्ड। जॉय मीन्स होता है खुशी, बॉदर मीन्स होता है परेशानी, मैरी मीन्स होता है शादी करना, अपसेट मीन्स होता है दुखी, फीड मीन्स होता है खिलाना, रिमूव मीन्स होता है हटाना, वेडिंग मीन्स होता है विवाह, शेक मीन्स होता है थरथराहट, हग मीन्स होता है दुलार या गले लगाना, इंस्टीड मीन्स होता है के बदले में, प्लम्ब मीन्स होता है फूला हुआ, थ्रिल्ड मीन्स होता है बहुत खुश। तो ये है न्यू वर्ड्स की वर्ड मीनिंग एंड उच्चारण। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। फर्स्ट है व्हाई वॉज दे आर अ ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस। नीना के घर में कौन सा खुशी का बड़ा दिन था, क्यों था। सेकेंड है व्हाई वॉज नीना वरीड, नीना दुखी क्यों थी। थर्ड है व्हाट डिड मदर सजेस्ट, उसकी माँ ने उसको क्या सजेस्ट किया, क्या सलाह दी। चौथा है व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन सी केम बैक फ्रॉम वेडिंग। तो नीना को क्या हुआ जब वो वेडिंग के बाद वापस आई। तो फिर पांचवा है राइट फ्यू लाइन्स अबाउट नीना, तो नीना के बारे में पांच लाइन कुछ लिखिए। चलिए देखते हैं इनके आंसर। फर्स्ट है व्हाई वॉज दे आर अ ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस, नीना के घर में खुशी का महान दिन क्यों था। तो आंसर है नीनास आंट वॉज गेटिंग मैरिड, नीना की आंट मैरी शादी करने जा रही थी। शो देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस, तो इसलिए नीना के घर में खुशी का महान दिन था, पल था। सेकेंड है व्हाई वॉज नीना वरीड, नीना चिंतित क्यों थी। तो आंसर है नीना वॉज वरीड फॉर द टू बेबी बर्ड्स, तो नीना दो बेबी बर्ड्स पक्षियों के लिए चिंतित थी। फिर इधर थर्ड है व्हाट डिड मदर सजेस्टेड, तो नीना की माँ ने क्या सजेस्ट किया। तो आंसर है मदर सजेस्टेड दैट व्हाइल वी आर अवे फ्रॉम द हाउस, मीना की माँ ने सजेस्ट किया कि यदि हम घर से दूर रहेंगे वी कैन मेक द रूम एम्प्टी, हम रूम को खाली कर जाएंगे, एंड लेट द विंडो ओपन, और विंडो खिड़की को खुला छोड़ जाएंगे, सो दैट द टू बेबी बर्ड्स दो छोटी पक्षी कैन बी फेड खाना खा सकेंगी बाय दियर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स उनको खाना खिला सकेंगी। तो ऐसा उसकी माँ ने सजेस्ट किया। चौथा है व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन सी केम बैक फ्रॉम वेडिंग, नीना ने क्या पाया जब वह वेडिंग शादी समारोह से वापस आई। तो आंसर है नीना फाउंड द टू प्लम्प लिटिल बर्ड, नीना ने पाया दो मोटे मतलब कि बढ़े हुए दो स्पायरो को फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, जो उसके रूम के चारों ओर घूम रहे थे, उड़ रहे थे, उनको पाया। फिर पांचवा है राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट नीना, नीना के बारे में पांच लाइन लिखे। तो नीना के बारे में अपने सोच करके आप कुछ भी लेसन के अनुसार पांच लाइन लिख सकते हैं, जैसे कि नीना बहुत अच्छी लड़की थी, नीना वाज भी हो सकता है इज, तो नीना इज़ अ गुड गर्ल, नीना बहुत अच्छी लड़की है, नीना लव बेबी बर्ड्स, नीना बेबी बर्ड को अच्छी लगती है, प्यार करती है, उनको पसंद करती है, नीना वरीड बेबी बर्ड, तो नीना बेबी बर्ड्स के लिए क्या थी, चिंतित थी। चौथा है नीना लेफ्ट हर रूम फॉर बर्ड्स, तो नीना पक्षियों के लिए अपना रूम छोड़ दी थी, खुला छोड़ दी थी। पांचवा है नीना वेरी हैप्पी फ्रॉम हर मदर वाज गिव गुड
सजेशन, तो उसकी माँ ने जो सजेशन दिया था उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अपनी माँ से खुश थी। तो ये आप अपने अनुसार भी इसके बारे में, मिनीना के बारे में 5 वर्ड लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है से अलाउड, जोर से बोलिए, जॉय, मैरिड, वाइट, आइदर, पोदरिंग, हग, प्रॉब्लम, रिमूव, परफेक्टली, फ्रीली, प्लम्प, थ्रिल्ड। चलिए देखते हैं इनकी वर्ड मीनिंग एंड उच्चारण। सेल आउट की वर्ड मीनिंग, जॉय मीन्स होता है खुशी, मैरिड मीन्स होता है शादी या विवाह, वाइट मीन्स होता है सफ़ेद, आइदर मीन्स होता है या तो या, बोदरिंग मीन्स होता है परेशानी, हग मीन्स होता है गले लगाना, प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, रिमूव मीन्स होता है हटाना, फिर परफेक्टली मीन्स होता है पूर्ण रूप से, फ्रीली मीन्स होता है मुक्त या स्वतंत्र, प्लम्प मीन्स होता है फूला हुआ, थ्रिल्ड मीन्स होता है खुशी, जॉय, आनंद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। व्हाट विल यू डू फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इफ आई हैव दिस प्रॉब्लम, अगर यदि आपके पास ये प्रॉब्लम हो तो, फर्स्ट है If I am ill, यदि मैं बीमार हूँ, I will go to a doctor, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, ये है सोल्यूशन। सेकेंड है If I don't understand anything in the class, यदि मुझे यदि क्लास में कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूँ, तो आंसर है I will ask my teacher, आप टीचर से पूछिए, ठीक है, टीचर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर थर्ड है If someone fights with me, यदि अगर कोई मुझसे लड़ाई करे तो आई विल कंप्लेंट अबाउट इट टू माई पेरेंट्स, तो मैं अपने पेरेंट्स को शिकायत करूँगा, कंप्लेंट करूँगा। तो यह है इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन। चौथा है इफ एनी अन नोन पर्सन आस्क मी टू गो विथ हिम, यदि कोई व्यक्ति कुछ अननोन जो अनजान व्यक्ति हो मुझसे जाने मेरे साथ जाने को पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ़ आई विल से नो टू हिम, तो हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाएंगे। पांचवा है इफ एनी वन टच मी हाउ आई डोंट लाइक, यदि कोई व्यक्ति हमें छुए अजीब तरह से तो हमें पसंद नहीं आता, तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, आई विल आस्क दैट पर्सन नोट टू टच मी एंड शुड स्टे अवे फ्रॉम मी, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे कि तुम हमसे दूर रहो और हमें टच मत करो, हमसे दूर रहना और हमें टच मत करना। तो ये है प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पास दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वोकैबुलरी, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, जो ये हेल्प बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, इनको हमें इस स्टोरी में फिट बैठाना है, ठीक है। नीनास आंट वाज गेटिंग मैरिड, तो मैरिड आ गया। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, हर कोई बहुत खुश था। नीनास मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस, तो नीना को उसकी माँ ने मार्केट लेके गई न्यू ड्रेस खरीदने के लिए। बट नीना वाज वरीड, चिंतित थी, देयर वाज अ स्पैरो विद टू बेबी बुक सेल्फ, ठीक है, तो उस वो नीना चिंतित थी दो बेबी बर्ड्स के लिए, क्योंकि उसके कमरे में घोंसला बना करके रह रहे थे स्पैरो ऑन द विंडो पर, इन हर रूम, उसके रूम में मामा एंड पापा स्पैरो फ्लू इनटू द रूम थ्रू द ब्रेड, तो मामा और पापा क्या किए उसके रूम में ब्रेड को फेंक दिए, तो इधर उधर उड़ उड़ के उसे खा रहे थे, फीड खिला रहे थे बेबी स्पैरोस को। इफ द होल हाउस इज लॉक्ड हाउ द बेबी स्पैरोस वुड लीव, तो इसलिए उसके पूरे रूम को खोल दिया गया था ताकि बेबी स्पैरो उसमें रह सकें। तो ये सुटेबल पार्ट्स था जो कि इसमें भरा गया, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बी नंबर मैच द वर्ड्स विद दियर एंटोनिम्स, तो उसके अपोजिट वर्ड्स से हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, तो सोल्यूशन होता है उसका उपाय।
बोदर मीन्स होता है परेशानी या परेशान, कंफर्ट मीन्स होता है आराम, जॉय मीन्स होता है खुशी, सॉरो मीन्स होता है चिंता, रिमूव मीन्स होता है स्थान से हटाना, ऐड मीन्स होता है जोड़ना। तो ये समझ में आया, एकदम सरल है। नेक्स्ट नेक्स्ट है थर्ड, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। अपने खुद के सेंटेंस को यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है इन शब्दों को यूज करते हुए। वेडिंग मीन्स होता है विवाह करना, अपसेट मीन्स होता है दुखी, हग मीन्स होता है गले लगाना, इंस्टीड मीन्स होता है के बदले में। चलिए देखते हैं इनके ओन सेंटेंस, जो सेंटेंस बनाए गए हैं। तो देखिए, वेडिंग मीन्स होता है शादी करना। तो राम हैज अटेंडेड हिज फ्रेंड्स वेडिंग। तो राम ने अपने दोस्त के शादी पार्टी को अटेंड किया। तो ये बन गया मीनिंग सेंटेंस। सेकंड है अपसेट। अपसेट मीन्स होता है दुखी। राहुल इज वेरी अपसेट। राहुल बहुत दुखी है। हग मीन्स होता है गले लगाना। मदर गेव अ हग टू हर चाइल्ड। तो माँ अपने बच्चों को गले लगाती है। चौथा है इंस्टीड, के स्थान पर, के जगह पर। राम वॉज प्लेइंग इंस्टीड ऑफ स्टडिंग। तो राम पढ़ने के स्थान पर खेल रहा है। तो इतना हो गया, ये है इसकी सेंटेंस में यूज हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट, कंट्रेक्ट्स, शॉर्टनिंग और वर्ड्स। इसमें देखिए, इसमें शॉर्ट वर्ड के बारे में बताया गया है। लुक एट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को देखना है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट विद्यार्थी हूँ। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। तो देखिए, जो ये कॉमा कॉमा लग के शॉर्ट शॉर्ट दिए गए हैं, इसका मतलब होता है आई एम, और IELL का मतलब होता है आई विल होता है। द वर्ड आई एम एंड आई विल हेयर शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई एम एंड आई विल। तो जो ये वर्ड है, इनके शॉर्ट फॉर्म है ये, और ये लॉन्ग फॉर्म है। दे हैव बीन शॉर्टेंड टू मेक वन वर्ड बाई रिमूविंग एंड एंड वी आई एंड पुटिंग एन अपोस्ट्रोफीज इन इट्स प्लेस। इधर है, देयर आर मेनी वर्ड्स लाइक दिस विच कैन बी शॉर्टेंड। लुक एट दिस टेबल टू अंडरस्टैंड हाउ सम वर्ड्स आर शॉर्टेंड। तो आपके लेसन में बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जहाँ शॉर्ट शॉर्ट दिए गए। शॉर्ट कैसे होते हैं, आई एम का शॉर्ट फॉर्म एम, वी आर का शॉर्ट फॉर्म वर वर, आई डोंट का शॉर्ट आई डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म आई डोंट, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म आई हैव, आई विल का शॉर्ट फॉर्म आई विल, और ये सी डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है सी डजंट, ही इज का शॉर्ट फॉर्म है हीज, ही इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ही इजंट, ही सी इज का शॉर्ट फॉर्म है सीज, दैट इज का शॉर्ट फॉर्म है दैट्स। तो आपको ये समझ में आ गया हो कि शॉर्ट फॉर्म कैसे आते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज है टेंसेस, काल। टेंस मीन्स, टेंस का मतलब होता है टाइम, समय। टाइम इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। तो सेंटेंस के अनुसार हम टाइम को करेक्ट करेंगे। टेंस है ये, देखिए ये टेबल में टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस, इसका मतलब होता है भूतकाल। फ्यूचर टेंस, इसका मतलब होता है भविष्यकाल। इनकी एग्जाम्पल दिए गए हैं, सुमन इज राइटिंग अ लेटर। सुमन एक पत्र लिख रही है, तो ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। सुमन रोट अ लेटर, सुमन ने एक पत्र लिखा, तो ये भूतकाल में है। सुमन विल राइट अ लेटर, तो सुमन एक पत्र लिखेगी, ये भविष्यकाल में है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट दिस टेबल, राइट द करेक्ट। चौथा है कंप्लीट दिस टेबल, राइट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें हमको क्या करना है, भरना है, राइट करना है, करेक्ट करना है। इसमें से एक दिया हुआ है टुडे, आज के लिए आई प्ले, मैं खेलता हूँ। यस्टरडे, बीता हुआ कल के लिए आई प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। टुमारो, आने वाले कल के लिए आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। उसी प्रकार आई डांस, मैं डांस करती हूँ। आई डांस्ड, मैं डांस कर चुकी हूँ। आई विल डांस्ड, मैं डांस करूंगी।
आई सिंग, मैं गाना गाऊंगा या गाऊं, मैं गाना गाती हूँ या गाता हूँ। आई संग, मैं गाना गा चुका हूँ या गा चुकी हूँ। आई विल सिंग, मैं गाना गाऊंगी या गाऊंगा। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ। आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ। आई टॉट, आई टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ या पढ़ा चुकी हूँ। आई विल टीच, मैं पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी। आई गो, मैं जाता हूँ या जाती हूँ। आई वेंट, मैं जा चुकी हूँ या जा चुका हूँ। आई विल गो, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगी। आई क्राई, मैं चिल्लाती हूँ या चिल्लाता हूँ। आई क्राइड, मैं चिल्ला चुकी हूँ या चिल्ला चुका हूँ। आई विल क्राइड, सॉरी यहाँ लिख नहीं पाई हूँ। आई विल क्राई, ठीक है, आई विल क्राई तो मैं चिल्लाऊंगा ही चिल्लाऊंगी। आई कट, मैं काटती हूँ या काटता हूँ। आई कट, मैं काट चुकी हूँ या काट चुका हूँ। आई विल कट, मैं काटूंगा या काटूंगी। तो ऐसे ये हैं सेंटेंस है, ठीक है। जब ग्रामर सेक्शन आएगा तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी। नेक्स्ट है फन टाइम। वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे? क्या आपको बर्ड्स का रोज आना पसंद है? व्हाट वुड यू डू फॉर दैट? आप उनके लिए क्या करते हैं? ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड अ फीडिंग कॉर्नर। अब बर्ड्स, आप बर्ड्स के लिए बाथ बाथ करने के लिए, मतलब उनके नहाने के लिए कोई स्थान बनाइए, खाना खिलाने के लिए बनाइए आप अपने घर के किसी कोने वोने में या फिर छत उत में। यू कैन प्लेस अ बॉल ऑफ वाटर इन अ क्वाइट कॉर्नर ऑफ द हाउस। तो आप अपने घर में जहाँ शांत स्थान हो वहाँ पास आप बर्ड्स के लिए ये सारे इंतज़ाम कर सकते हैं। तो ये पिक्चर में बहुत सारे दिए गए हैं, किस प्रकार से हम बर्ड्स के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ताकि वो लोग भी अच्छे से अपनी लाइफ जी सकें। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ थिंग्स यू नीड टू मेक देम। तो आप उनके लिए जो भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं वो इस चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, सो आपको ये लेसन की एक्सरसाइज है वो आपको जरूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कुछ भी समझ में आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। लेसन 5 की पूरी एक्सरसाइज कवर हो गई है, अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ जाएंगे। तब तक लिए धन्यवाद।